Hyderabad International School. CBSC plus exceed syllabus, which is followed in eight countries. Modern plus Islamic education. Five step activity based and play way method. Launching separate branches for girls at. असलम नाजरीन आप सबका खैर मकदम है ए एटीन तेलंगाना न्यूज़ पर आज 9 अगस्त मंडे का दिन है आइए नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें

हो सकते हैं एक्टर अनुपम श्याम आज गुजर गए वो तिरसठ साल के थे कुछ दिन पहले वो हॉस्पिटल में शरीक हुए थे किडनी बीमारी के तालुक से आईसीयू में थे वो वेंटिलेटर पर रखे गए थे दो दिन से जिसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के सबब उनकी मौत वाक़ हो गई वो कई सारी डेली सोप ड्रामा में किरदार निभाए हैं जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं कोविड-19 के खिलाफ अब उन्हें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है व्हाट्सएप के जरिए सेकेंड्स के अंदर कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पाए माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क के जरिए तीन सिंपल स्टेप से पहला कांटेक्ट नंबर सेव करें 9013151515 दूसरा कोविड सर्टिफिकेट मैसेज करें व्हाट्सएप पर उसी नंबर पे और ओटीपी एंटर करें और सेकंड्स में आपका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा सऊदी अरब ने ऐलान किया संडे के दिन के विदेशियों की उम्र की अर्जी को मंजूरी दे दी गई है अगस्त नौ से विदेशी के लोग उम्र करने आ सकते हैं सऊदी अरब को सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा बताया गया कि सिर्फ कोविड नाइन्टीन के खिलाफ वैक्सीनेटेड और मुकम्मल कोरोना से रिकवर्ड लोग को ही इजाजत होगी उम्र के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्र ने ऐलान किया कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खौफ में दिल्ली ने एक्शन प्लान बनाया है कोरोना वायरस के केसेस से लड़ने आने वाले दिनों में नेशनल कैपिटल दिल्ली ऐसा पहला स्टेट बनता है जहां कोविड 19 की तीसरी लहर के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया गया है इस एक्शन प्लान के तहत अलग से गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे जो चार गुना सिक्योरिटी के साथ रहेंगे और जल्दी इसे लागू कर दिया जाएगा फॉर्मल ऑर्डर्स के साथ दिल्ली गवर्नमेंट के जरिए पैंतीस हजार चार सौ नए कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ इंडिया की गिनती अभी तक तीन करोड़ उन्नीस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ चौवन है और कुल कोविड 19 मुतासरीन की मौत की गिनती चार लाख अट्ठावी हज़ार तीन सौ नौ है और पिछले चौबीस घंटों में चार सौ सैतालीस कोविड नाइन्टीन मरीजों की मौत वाकई हुई है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने मंडे के दिन ऐलान किया चीफ जस्टिस रामन्ना ने कहा कि पुलिस स्टेशन में सबसे ज्यादा केसेस ह्यूमन राइट्स के खिलाफ फर्जी पर दर्ज किए गए चीफ जस्टिस इंडिया एन वी रामन्ना ने कहा कि हाल ही की रिपोर्ट्स देखते हुए पता चला कि ह्यूमन राइट्स को थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट दिया जाता है ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जुर्म और जिसमानी जुर्म के ताल्लुक से सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं पुलिस स्टेशन में उन्होंने कहा कि इसे रोकना अहम है वरना वरनाशरा दिन पे दिन खराब हो सकता है